वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम आए हैं दीमापुर के टूरिस्ट लॉज में, और यहाँ पे एक फिल्म जो है उसके लिए आए हैं, और जो कि फिल्म का नाम है स्ट्रीट फाइटर। तो हम लोग अंदर जाएंगे और सर से भी बात करेंगे इस मूवी के बारे में, और ये मूवी क्यों हम लोग देखेंगे इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इस मूवी में क्या चीज है। तो चलते हैं हम लोग सर से बात करने। तो सर, ये जो मूवी आ रही है स्ट्रीट फाइटर, तो इस फिल्म को हम लोग क्यों देखें, इसमें क्या चीज है? देखिए, ये आपका नागालैंड का प्रोडक्शन है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि पिक्चर अच्छा बने ताकि पब्लिक को कुछ ज्ञान मिले इस पिक्चर से, समझे ना। इसका थीम यही है कि अगर आप कोई भी क्षेत्र में अगर आप अच्छा काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, मन लगा के काम करते हैं, तो भगवान जरूर आपको एक दिन ऐसे रास्ता दिखाएगा। ये पिक्चर का थीम ही वही है, मेहनत करने से ही मिलता है, हार्ड वर्क करने से ही मिलता है। तो इस मूवी में मेन लीड में हीरो कौन है? इस पिक्चर का एक्टर एक्ट्रेस सब लोकल है, दीमापुर का ही। अच्छा अच्छा। और ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नया लड़का लड़की को ही चांस देता है इस पिक्चर में। पूजा फिल्म प्रोडक्शन आपका 1995 में पहला पिक्चर रिलीज हुआ था, उसके बाद देख नहीं देखा, आज तक 121 फिल्म रिलीज हो चुकी है अंडर पूजा फिल्म प्रोडक्शन, डायरेक्टर बाय सर अजय कुमार। और सर, ये रिलीज कब होगी? रिलीज तो आज ही हो रहा है, और ये पिक्चर को आप कल कोहिमा दूरदर्शन में देख सकते हैं आप। अच्छा अच्छा। और भी कोई मूवी आ रही है इससे आगे ना? यही नहीं, अगला महीने से हम लोग नया प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, उस फिल्म का नाम है आयरन लेडी। उस पिक्चर में लीडिंग रोल नीतू कछारी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो उस पिक्चर का थीम ऐसा है कि एक औरत अपना परिवार को संभालने के लिए कितना तकलीफ कर, कितना प्रॉब्लम सॉल्व करती है, और अपना एंटरटेनमेंट छोड़ के अपना परिवार कर। तो कुछ आगे बोलना चाहते हैं सर? मैं यही बोल रहा हूँ, फिल्म प्रोडक्शन को सपोर्ट कीजिए आप। पूजा फिल्म प्रोडक्शन अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो अच्छा अच्छा एक्टर एक्ट्रेस को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, और अच्छा से अच्छा आपका एंटरटेनमेंट आप लोग को हम लोग दे सकेंगे। अगर आप लोग, हम लोग नए ना एक्टर एक्ट्रेस को ही चांस देते हैं ना, हम लोग इसका नागालैंड पोस्ट पर हम लोग इंटरव्यू इसका इजहार कर देते हैं, जिसको इंटरेस्ट आता है इंटरव्यू देता है, अगर सिलेक्शन होने से हम लोग चांस देते हैं उसको। और पूजा फिल्म प्रोडक्शन कभी पैसा नहीं देता, और कभी किसी से पैसे से डिमांड भी नहीं करता कभी भी। हम लोग टैलेंट को चांस देते हैं जो इंटरेस्टेड है। अब जिसको देख रहे हैं कह रहे हैं सब, ये सब न्यू टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेस लोग हैं, और उन लोग अपना बेस्ट दिया इस पिक्चर में बेस्ट, और आपको पिक्चर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। सर, एक चीज मैं भी पूछना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे जो आप जो भी पिक्चर मतलब बनाते हैं यहाँ पे, मतलब फिल्म नागामिस में बनाते हैं या हिंदी में बनाते हैं या इंग्लिश में बनाते हैं? देखिए, हम लोग नागालैंड में रहते हैं, नागालैंड में जन्म हुआ है, तो हम लोग ज्यादातर नागामिस फिल्म बनाते हैं। अभी हम लोग हिंदी के लिए नहीं सोचे हैं, और असामिस के लिए भी नहीं सोचे हैं। हम लोग चाहते हैं कि नागालैंड का एक्टर एक्ट्रेस लोग आगे निकले, नागालैंड का नाम करे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सबको सर्विस नहीं दे सकती है ना। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप अपना करियर को बना सकते हैं, अपना नाम को कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, इज्जत भी कमा सकते हैं, ऐसे नागालैंड गवर्नमेंट को आपको रेवेन्यू भी मिलेगा। हम तो यही चाहते हैं कि हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल प्लीज ज्वाइन द पूजा फिल्म प्रोडक्शन। द पूजा फिल्म प्रोडक्शन सच प्लेटफॉर्म दैट यू कैन मेक योर करियर, यू कैन मेक योर फ्यूचर। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज come forward to support the Pooja Film Production. Thank you all of you. जैसे बताया था आपने आपको जी मैंने सामने में ये सर से मतलब आज ये जो पिक्चर जो रिलीज होने वाली है इसमें मतलब कुछ पब्लिक के लिए आज का मैसेज तो इस बारे में सर ने मुझे बताया है, तो मैं यही मतलब एक चीज और पूछना चाहता था। जैसे ये पिक्चर मतलब आपको अपने जैसे यंग जनरेशन में मतलब लड़का लड़की को मतलब क्या समझ में आएगा, जैसे ये पिक्चर देखने से क्या हमें सबको पड़ेगा, जैसे आगे इसके फ्यूचर में क्या फायदा आपको? तो इस बात में ये चर्चा करना चाहता हूँ, मुझे चर्चा करना है।
देखिए बात ये है कि ये जो टैलेंट होता है ये बॉडी होता है, ये नेचुरल होता है। अगर आपके पास टैलेंट है तो कोई आपको रोकेगा नहीं। फिल्म लाइन एक ऐसा लाइन है कि आप अपना फ्यूचर को बना सकते हैं, आप 50 आदमी को और आप काम भी दे सकते हैं। इससे हमारा हिंदुस्तान भी आगे बढ़ेगा। देखिए आज ये हिंदुस्तान का सिनेमा जो है, आप कहां से कहां और बॉलीवुड का पिक्चर कहां से कहां पहुंच गया, आज तो इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहा है। मैं तो स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूं कि सर नागालैंड के नागामिस फिल्म के लिए लोकल प्रोडक्शन के लिए कुछ करें ताकि हमारा नागा एक्टर एक्ट्रेस लोग आगे बढ़े, देश का नाम आगे बढ़े। अगर स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में सोचेगी तो रॉयल्टी भी आएगा और आपका अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। तो एक सवाल मेरा वो है, जैसे मैंने सोचा था आपका यहाँ से बच्चे मार्च में काम कर रहा है, काम कर रहा है, ये पूजा फिल्म प्रोडक्शन से बहुत से लड़का लेके निकल के अपना करियर बना चुके हैं और बना रहा है, हिंदी फिल्म में भी काम कर रहा है। तो सर मतलब ऐसे मैंने जो सवाल किया था, मैंने आपका सवाल का जवाब मुझे मिल गया और देखिए बोला तो फिल्म कैसा लगा कि रितु में और ये जूबी में है और सर तो बोलने का हम जरूरत ही नहीं सर तो मालूम है और ये हम लोग का टीम है और ये देखकर हम पहली बार सोचा जा रहा हूँ। Without your help, the Puja Film Production will not go ahead. So I need your support. Today I am very happy that you people came and success our program. Thank you, all of you. देख सकते हैं अब हम लोग ये कार्यक्रम खत्म होने वाला है, अब अपने घर चलेंगे। अब लास्ट टाइम चल रहा है तो अपने अपने घर हम लोग चलेंगे, अभी देखिए खत्म होने वाला है। तो फाइनल दोस्तों आज का कार्यक्रम खत्म हुआ, अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। तो देख सकते हैं हम लोग जाएंगे घर, ये है टूरिस्ट लॉज दीमापुर का, पेमेंट दे दिया ना, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आई कर दीजिए।